जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो उन शहीद जवानों के लिए है जो 1999 में कारगिल वॉर लड़ा गया था। तो आज भारत देश में 25 से लेकर 28 तक उनके विजय दिवस, जो उनके उन्हें शहीद हुए थे देश भारत माता के लिए, उनके लिए विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको पता है 1971 के बाद जो भारत पाक युद्ध हुआ था, 1971 में भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए थे। 91 हर सैनिक जिनने घुटने टेक दिए थे, पर भारत रहम दिल उनको वापस कर दिया था, भेज दिया था। पर इससे बाद क्या होता है कि 1978 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ज़्यादा इंप्रूव कर लेती है और उसके होश उड़ जाती है, हवा में चली जाती है। तो 1999 में तीन मई 1999 को फिर घुसपैठ करते हैं वो कारगिल में, और उससे भी उनको मुंह की खानी पड़ती है, उसमें भी वो हार जाते हैं। ये युद्ध चला था तीन मंथ चला था, और 26 जुलाई इसको इसका भारत ने विजय हासिल की थी, जिसके विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्मारक बनाया गया था द्रास में, कारगिल में। तो इसमें जो भारी नुकसान जो उठाना पड़ा था, उन पाकिस्तानी कुत्तों को उठाना पड़ा था, जिसमें 3000 सैनिक उनके मारे गए थे, उसमें दूसरी तरफ हमारे 500 सैनिक मारे गए थे, उनको 13000 जो जवान उनके घायल हुए थे। दोस्तों, ये इतने कुत्ते हैं ना, इतने भड़वे सूअर हैं ये, इनके जितने भी जवान मारे गए थे उसमें उन सबों को लेने से इनकार कर दिया था, पर भारत ने फिर भी वहां पे अपना रहम दिल दिखाया, उन सैनिकों को सही उस पे उनके रिवाज के अनुसार दफनाया था। तो ये है भारत उस टाइम। जैसे आपको पता है, हमारा अभी 28 फरवरी को जो इन्होंने अटैक किया था, 14 फरवरी को, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी, और अभिनंदन ने, हमारे वीर लॉयंट अभिनंदन जो 6 F-16 विमानों के साथ अकेले मुकाबला कर रहे थे, तो उनका जो वो था, क्या बोलते हैं, विमान क्रैश हो गया था और पाकिस्तान में पहुंच गए थे। तो उन्होंने, यहाँ भी अनपढ़ है, उन्होंने अपनी वो दिखाई कि हमने ये हासिल कर लिया, तो वहाँ पे बुंड मार दी थी इसने, अभिनंदन ने। और वैसी घटना हमारे 1999 में हुई थी हमारे पायलट के साथ, जो इनके 8 विमानों के साथ लड़ रहे थे, पर वो भी क्रैश होकर वहाँ पहुँच गए थे, और इन भड़वों ने, इन सूअरों ने उसके 7 दिन तक टॉर्चर किया था। पर ये भी घटना सभी को पता चली गई थी, पूरे वर्ल्ड को पता चली गई, तो इनको, कायरों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। तो ये वीडियो उन जवानों के लिए, साथ साथ नमन है उन जवानों के लिए जो अपने देश, अपने भारत के लिए तत्पर रहते हैं, अपनी सेवा के लिए, चाहे वो सियाचिन की पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ियाँ हो, या आपका राजस्थान की चूरू की गर्मी हो। अभी आपको पता है पूरे भारत इस टाइम बाढ़ से कराह रहा है, पूरे भारत में बाढ़ की लहर, वहाँ भी है वो जवान अपनी जिंदगी परवाह किए बिना अपनी जान की बाजी खेलते हैं, लोगों को सही जगह, उनको खाना, मुआवजा, सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। तो नमन है उन जवानों को, और कारगिल में जिनने अपना शहीद भारत माता के लिए अपनी शहीदी दी थी, उनकी याद में हमारे दिल्ली में इंडिया गेट में जो अमर ज्योति है, वो उनके याद में सदा जलती रहती है। तो हम भी उनमें, उन जवानों पे गर्व है। और दूसरी बात, आज ही, आज के दिन, 27 फरवरी, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन ही हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी, तो आज उनकी वर्षगांठ है, तो उनको भी नमन है, क्योंकि एक सच्चे मुस्लिम थे वो, जो उनका जो भारत माता के लिए योगदान रहा है वो अतुलनीय है, वो एक सच्चे मुस्लिम को कहा जाता है। उनको भारत माता के लिए क्या योगदान दिया, वो आपको पता है, वो एक साइंटिस्ट थे, उसके बाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि मैं एक मुस्लिम हूँ, वो भारत माता के सपूत थे। पर आज के मुसलमान देखिए आप, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे हमीद अंसारी, जिनको जय श्री राम बोलने पे, राष्ट्रगान बजने पे शर्म आ जाती थी, मुंडी अपने नीचे कर लेते थे, तो उनको सल्यूट है अपनी जिंदगी में, जो अपने अतुलनीय योगदान भारत माता के लिए दिया। पर यहाँ के कठपुतले देखिए, जैसे कि अवैसी, आजम खान, महबूबा मुफ्ती, गद्दार, देखिए जिनको जय श्री राम बोलने में दिक्कत आती है, तो एक बार उनको भी हमारा नमन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और हम बात कर रहे थे 1999 की बार की, जो भारत ने एक विजय दिवस के रूप में आज मना रहा है, जो उनकी हवा टाइट हो गई थी ना, कि न्यूक्लियर पावर अमेरिका से प्राप्त कर ली थी, वो हवा उनकी निकल गई थी। पर देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान आज कहाँ है और इंडिया आज चांद पे पहुंच गया है। ये इन भड़बों की औकात, गांड धोने के लिए पानी नहीं है, भिखारी, अभी इनका भिखारी रंगीला रसूल जो माँ बेटियों को पहले चाइना के पास सप्लाई करता था, अब अमेरिका गया था, वहां पे किस तरह से बेचती हुई इस दल्ले की, वो वहां दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया
हमारा पाकिस्तानी इमरान खान जा रहा है भीख लेने माँ बहनों को लेके, तो क्या वहाँ पे बेइज्जती? कितनी बेइज्जती, कितनी शर्मनाक हार हुई। एक नॉर्मल इंसान, एक पैसेंजर की तरह जाना पड़ा उसको, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए कहाँ बिलोंग कर रहा है पाकिस्तान, FTF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। और दूसरी तरफ वो भड़वा खुद ही कबूल कर रहा है कि हम आतंकवादियों को पना देते हैं, हमारे 30,000 आतंकवादी हम जिनको पना दी थी खुद कबूल कर रहे हैं। और इनके एक धर्मगुरु ने पहले ही कहा है कि हम पाकिस्तान जो है बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यही स्थिति रही इनकी तो बढ़ जाएगा। ये आप खुद देख लीजिए कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, भारत आज कहाँ पहुँच गया है, चांद पे पहुँच गया है, और ये भड़वे कहाँ पे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी यूट्यूबर चूतिए भड़वे है, कुछ यूट्यूबर जैसे हमारे अभी आर्मी श्रेष्ठ आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसी दोबारा कार्रवाई करता है तो उसको कारगिल से दुगनी भरपाई करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ वो चूतिए भड़वे जिनकी औकात जीरो है, एल की औकात भी नहीं, मैंने वो उनको चुनौती दे रहे हैं और कुछ भड़वे मोदी को बोल रहे हैं। तो तुम लोग मेरे एल पे भी नहीं हो भड़वो, भारत का मुकाबला तुम कहीं भी नहीं कर सकते, तुम्हारी हैसियत दिन प्रतिदिन पता लग रही है, दिन प्रतिदिन। अब थोड़ी सी घुसपैठ करो, तुम्हारे हरेक दिन कुत्ते मर रहे हैं, आज भी दो आतंकी मारे गए, दिन प्रतिदिन तुम्हारी यही हैसियत है और मरते रहोगे तुम। और जो हमारे देश में गद्दार बैठे हुए हैं ना भड़वो, जिनकी वजह से तुम लोग आज जी रहे हो ना, उनको याद करो और इन गद्दारों को सपोर्ट करना बंद करो। कारगिल वॉर में जिनने अपनी जान की आहुति दी थी भारत माता के लिए, और तुम लोगों को जो गद्दार बैठे हो भारत माता बोलने में शर्म आती है, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जैसे गद्दार सफीकुर रहमान, अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है, भड़वे, ये सारे सुअर। 15 मिनट दे दो, हम ही सारे खत्म कर देते हैं इनको। और सरकार हमारी सेकुलरिज्म है ना, ऐसा सेकुलरिज्म है, उनको सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए। चलो इसकी खैर बात अलग है, मैं फिर एक बार उन अमर जवानों को, उन शहीदों को जो भारत माता के लिए अपनी आहुति दी थी और आज भी दे रहे हैं दिन प्रतिदिन, जिस तरह से मैंने बोला कि भारत पूरे बाढ़ से प्रभावित है अभी, तो वहाँ पर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तो सत सत नमन है उनको। और दूसरी बात, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनको भी हमारी तरफ से नमन है, जिनने अपनी भारत माता की सेवा दी, तो उनको